दुनिया देख चुकी है मुसलमानों, साल गुजर गया है ते पिछले साल की गल सी दुनिया कह दी सी, अरे मीडिया भी तुम्हारे खिलाफ है, देखो जनाब आला वकील भी तुम्हारे खिलाफ है, देखो जी डॉक्टर भी तुम्हारे खिलाफ है, देखो जी अदलिया भी तुम्हारे खिलाफ है, देखो जी जनाब आला फिर क्या हुआ, तुम्हारी हुकूमत भी तुम्हारे खिलाफ है, इदारे और हसास एजेंसियां भी तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारा बनेगा क्या, तुम्हारा तमाशा ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, तुम्हारे तुम्हारा तमाशा खत्म हो जाएगा और जो बनेगा वो हम बड़े महसूस होके देखेंगे, जो साडे नाल बढ़िया होते गईया, लेकिन अज असा देखे आए, अज असा देखे जेड़े आसिया मनोना दी रिहाई ते कहंदे सन हम अदलिया के पीछे खड़े आए, ते सानू कहंदे सन सड़कां ते आवण आले, वइदा कीला लहुम ला तुफसिदु फिल अर्द, इंदे तर्जमे जनाब आला करदे सन ट्वीटा, अज मैं उन्हां नू कहंदा किबला जे जनाब आला उस वेले आया सी के जब उन्हें कहा जाए के जमीन पे फसाद न करो तो कहते हैं हम इसलाह करने वाले हैं, आज भी जरा ट्विटर से आयत जनाब आला तर्जमा भेज दे हो ना पता लगे कि जनाब की आलम है, आज क्यों जज्बाते चो कहने ने जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ सिपाही है उसका दिल टूटा है कि हम मुल्क के लिए जाने देते हैं और हमारे सरबराह की जनाब आला कोई इस तरह तौहीन करे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हिम्मतें टूट जाती है। मैं कह झलिया जरा पांच साल या दो साल या तीन साल आर्मी चीफ बन के आवे बॉर्डर ते खड़े फौजी तक दर्द होती है कि साडे चीफ दी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है, ते सुन जरा जनाबे आला जिस नबी रहमत ने रो रो के 13 साल मक्के विच दीन फैलाया है, 74 जंगा लड़के मदीने विच आके दीन फैलाया है, पूरा दीन दे के गया है, उस महबूब के खिलाफ गल होया किवें बर्दाश्त हो सकती है, बस इतनी गल समझावण आया, करोड़ा परवेज मुशर्रफ कट्ठे कर लो, करोड़ा कियानी ते रागील शरीफ जोड़ो, करोड़ा पांचवे जोड़ो, बस खाक ने बराबर भी नहीं हो सकते जिथों मेरे नबी दा बिलाल एक बारी गुजर के गया। खत्मे नबू जिंदाबाद, बस इतनी जी गुजारिश है, असी दुश्मन नहीं असी पाक फौज दे नाल खड़े आ, लेकिन इतनी गल जरूर करने आ खुदा दे बंदे हो कुछ गल करो करण वाली दस दे दुनिया नू कि जनाब आला ए फौज रसूलुल्लाह दी है, ए ईमान तकवा ते जिहाद वाली फौज है, ए मुशर्रफ दे प्यो दी मुलाजिम नहीं है जिन्हें जनाब आला अफगानिस्तान नू खंडर बनावण वास्ते जनाब आला नेटो नू सप्लाई दित्ती, जिन्हें आफिया जैसी बेटी बेची, जिन्हें मैराथन रेसा कराइया, जिस जालिम ने जनाब आला ड्रोन हमलिया दिया रस्मा पाइया, खुदकुश हमलिया दी लानत पाकिस्तान ने लिया दिया, जिस जालिम ने जनाब आला पाकिस्तान दे अंदर बेहयाई नू परवान चढ़ाया, जिन्हें मलाला जैसिया कुड़िया नू प्रोटेक्शन दिती है, जिन्हें जनाब बलोचिस्तान ते के पी के दे पाकिस्तानिया नू इदारिया दे खिलाफ किया, असी ऐसे बंदे नाल नहीं खड़े, असी उस दे नाल खड़े हां जिहड़ा कहिंदा है पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, हुन जजा का भी इम्तिहान है, हुन डाक्टर का भी इम्तिहान है, वह एक शैतान तासीर की पत्ती बुझाई सी लपैक दे मुंडिया ने, ते बदले दे अंदर एक मोमबत्ती बुझावण दे जुर्म में 5 साल कैद कट के आए, कहते इससे बड़ा भी कोई जुर्म हो सकता है कि कोई मोमबत्ती बुझा दे, ते अज जनाब आला 14 बंदे पंजाब कार्डियोलॉजी च मर गए, और डॉक्टर की वजह तो मरे या वकीलों की वजह तो मरे या वकीलों के फेसा में छुपे एजेंसिया की वजह तो मरे, इतने बाद की गल है, पर पुत्र अज सजा सुना ना पता लगे कि कितने हौसले ने तुहाडे अंदर, अज दियो ना, लेकिन इको गल मैं जरूर करांगा, ये बड़े साढ़े पुरानी गल कर गए ने, जो अपने भाइयों वास्ते गड़ा खोदा है खुदों के विच गिरदा है, ये कल की गल है, मुशर्रफ साहब ने खसूसी अदालतां बनाईया सन मेरे जैसे मौलवियों नू जनाब गैब करने वास्ते, अमरीका नू वेचण वास्ते, गद्दार करार दे के जनाब आला निशाने इबरत बनावण वास्ते, अज उस खसूसी अदालत ने जदों करम किया है, मुशर्रफ साहब ते ते अज बड़ी तकलीफ हुई है, अज भी मौका आया, मैं कह रहा इमरान खान साहब नू भी, मैं कह रहा अपने चीफ जस्टिस नवे आवण वाले, मैं कह रहा अपने
आर्मी चीफ साहब नु खुदा दा वास्ता जे एस एवन एटी नामी जनाबे आला जुल्म वाले बिल।